हम लोग प्रीवियस वीडियो में लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आपको बताए थे, जिसमें हम रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन किए थे। उसी रॉल्स लॉ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है जो कि किसके किसके बीच है, वो है आपका वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी ये ग्राफ जो है वो रॉल्स लॉ को दिखा रहा है। किस सेंस में ये ग्राफ आप कैसे समझिएगा, इसको समझने के लिए आपको जो प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे, वेपर प्रेशर P1 इज इक्वल टू, आपको याद होगा, P1 नॉट X1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। देयरफॉर हम लोग टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए इसको ऐड कर दिए थे P1 प्लस P2। यहाँ P1 और P2 वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 और 2 इन सॉल्यूशन था, वहां पर हमने A और B लिया था और ये दोनों प्योर कंपोनेंट का था, यानी सॉल्यूशन बनाने के पहले। अब आप देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। देखिए यहां पर इस पॉइंट पर X1 1 है और X2 2 है। अगर X1 1 है और X2 0 है तो यहां पर सिर्फ एग्जिस्ट क्या करेगा, आप इसको लिखिए P1 not X1 plus P2 not X2। ठीक है, X2 0 है, इसमें पुट कीजिए X2 0 और X1 1 पुट कीजिए तो सिर्फ वेपर प्रेशर P1 not आएगा। इसमें पुट करके देखिए X1 1 तो X1 1 पुट कर दीजिएगा तो P1 not और इसमें X2 0 तो यहाँ पे 0 हो गया, सिर्फ वेपर प्रेशर किसके चलते P1 not, तो यहाँ है आपका। ठीक है, और यहां पर कंडीशन, इस पॉइंट पर कंडीशन क्या है, X1 0 है, अगर आप इसको 0 कर दीजिएगा तो ये पूरा 0 हो गया। अब जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ X2 1 है, तो X2 1 है तो सिर्फ P2 not एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ इस पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर जो है वो P2 not हो गया। देयरफॉर टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, टोटल वेपर प्रेशर देखिए इस केस के लिए जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है वो सिर्फ कितना आ रहा है, X2 0 कर देंगे तो P1 not आ रहा है ना, और इस केस के लिए वेपर प्रेशर टोटल अब कितना आ रहा है, P2 not, कब, जब X2 1 और X1 0। इसमें आप X2 1 पुट कर दीजिए और X1 0 पुट कर दीजिएगा तब सिर्फ आपको P2 not आएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर हम लोग पहले भी पढ़े हैं डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के आधार पर, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 plus P2, क्योंकि यहां पर टोटल वेपर प्रेशर जो यहां से यहां मिल रहा है इसमें X1 एंड X2 आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रॉल्स लॉ का आपका ग्राफ है जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे, इसका इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको बताए थे, उसी के आधार पर ये आपका ग्राफ है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये जो ग्राफ है आपका वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है, दो कंपोनेंट लिया गया है 1 एंड 2, हमने प्रीवियस वीडियो में A और B के फॉर्म में आपको शो किया था। यहां पर X1 1 है और X2 0 है, तो जब X1 सिर्फ X1 कंपोनेंट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट, X2 0 होगा, तो आप इसमें पुट करके देखिए वेपर प्रेशर में सिर्फ क्या आएगा, P1 not, तो यहाँ P1 not, और यहां पर X2 1 है और ये 1 हो गया तो ये P2 not, और X1 0 तो ये 0 हो गया, तो वेपर प्रेशर सिर्फ कितना, P2 not, तो ये P2 not पॉइंट हो गया। टोटल वेपर प्रेशर हम लोग जानते हैं P1 plus P2, तो ये ग्राफ आपका रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को दो पॉइंट्स में बांटा गया, यानी दो तरह का लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है। किस ग्राउंड पर, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, यानी अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट आपका ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, जेई मेंस में काफी बार इसका क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जांपल के तौर पे, इसका एग्जांपल्स आपको याद रखना है और इनका कंडीशंस दोनों याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रॉल्स लॉ के आधार पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को दो भाग में बांट दिया गया है, एक है आपका आइडियल सॉल्यूशन जो काफी रेयर पाया जाता है, वेरी रेयर,
और एक है आपका नॉन आइडियल। अब ये कैसे पता चलेगा कि आइडियल और नॉन आइडियल, या किस ग्राउंड के बेसिस पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को दो भाग में बांटा गया है? वेरी सिंपल, आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जो रॉड्स लॉ को ओबे करता है। सिंपली सॉल्यूशंस दैट ओबे रॉड्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, हर कंसंट्रेशन पे रॉड्स लॉ ओबे करे। सॉल्यूशन दैट ओबे रॉड्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को ओबे ना करे, इसका पहला पॉइंट लिखेंगे डू नॉट ओबे सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ। बात समझ रहे हैं? ये क्लासिफिकेशन काफी सिंपल है, जो रॉड्स लॉ ओबे करेगा वो आइडियल, जो नहीं ओबे करेगा वो नॉन आइडियल। तो जो नहीं ओबे करेगा वो फिर फर्दर क्लासिफाइड होते हैं दो भाग में, नॉन आइडियल द वन दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन एंड द अदर वन इज सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल तो हम लोग जान गए कि जो रॉड्स लॉ को ओबे करेगा ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन दैट विल बी नोन एज आइडियल, और जो नहीं ओबे करेगा उनको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल। तो अब इसका एग्जाम्पल्स हमको देखना है कि आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल का एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल निश्चित तौर पे याद रखना है और कंडीशंस कि आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन आइडियल क्या होगा, उनके एग्जाम्पल्स और कंडीशंस क्या होंगे। एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है आपको। आइडियल सॉल्यूशन का जो आपका कंडीशन है, आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन वो है आपका डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। ये आप देख लीजिए, डेल्टा एच आपका चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एच जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो हुआ वो आपका वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ये दोनों जो है वो जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो मतलब, कहने का मतलब नो हीट शुड बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब, ठीक है, वो आइडियल सॉल्यूशन का केस होगा। और डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको सिंपली, जैसे मान लीजिए ए आपका सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, तो ये दोनों मिलकर के ए बी सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये आपका सॉल्वेंट हो गया और ये आपका सॉल्यूट हो गया। वेरी बहुत सिंपली तरीका से आप समझिए, इसका डेल्टा एच कोई किसी तरह का चेंज हम निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा एच क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ ए बी सॉल्यूशन माइनस एंथैल्पी ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ बी, यही ना होगा, ठीक है। और ये केस जीरो कब होगा बाबू, ये जीरो तभी होगा व्हेन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, व्हेन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तभी ना होगा जीरो। तो ये केस हो गया, यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तब जाके डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा। और उस ठीक उसी प्रकार अगर आप डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन मान रहे हैं, तो यहां पर आप डेल्टा वी ले लीजिए, ठीक है, और इसको ए बी एच की जगह वी लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और आखिर ये जीरो कब होगा, जब इसका वैल्यू सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सम का वॉल्यूम दोनों सेम होगा, तभी डेल्टा वी मिक्सिंग होगा, जीरो होगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन हो गया, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। ऑन द अदर हैंड अगर आप नॉन आइडियल की बात करेंगे तो सिंपल है, नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होने जा रहा है, यानी आप इसको ठीक रिवर्स कर दीजिए, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो,
एंड द वी मिक्सिंग शुड ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया नॉन आइडियल का. ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल्स जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल निश्चित याद रखिएगा. एग्जांपल्स जो क्या क्या होने वाले हैं एग्जांपल्स आपका आइडियल सॉल्यूशन का, वो एग्जांपल्स आप आइडियल सॉल्यूशन का आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है. फर्स्ट वन इज बेंजीन प्लस टॉलीन. आप बेंजीन जानते हैं फॉर्मूला 6H6, टॉलीन का आपको हम बता देते हैं. बेंजीन प्लस CH3, दिस इज टॉलीन एंड दिस वन इज बेंजीन. ये एक एग्जांपल होगा. सेकंड, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, दिस वन इज द सेकंड एग्जांपल. एंड द थर्ड एग्जांपल इज क्लोरोइथेन. इथेन, क्लोरोइथेन मतलब हो गया इथेन में आप एक एच हटा के सीएल लगा दीजिए, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन C2H5Cl एंड C2H5Br. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन दैट विल ओबे द रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. नॉन आइडियल का कंडीशन हम लोग समझ गए, आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन समझ गए. अब नॉन आइडियल को किस हिसाब से बांटा गया है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, ये अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे.